सो गाइस, इफ आपने पार्ट वन देखा है सो आपको तो पता ही होगा कि पिछले पार्ट में हमने भगवान शिव की कलरिंग कंप्लीट कर ली थी एंड इस पार्ट में हम आगे की कलरिंग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल ऐसी ही बने सो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शिव जी के वस्त्र में येलो एंड ब्राउन कलर का यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लैश टिन कलर का यूज़ करके गणेश जी के फेस एंड बॉडी में कलर कर दिया है। और यहाँ डार्क एरियाज में मैंने रेड एंड ब्राउन कलर का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने ब्राउन, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने येलो एंड ऑरेंज कलर का यूज़ करके उनके लंगोट एंड मुकुट में कलर कर दिया है। फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक स्केच पेन से बैकग्राउंड की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन, येलो एंड लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है। सो लीजिए गाइस, आपकी ड्राइंग रेडी हो गई। अगर आपको ऐसी ही क्यूट एंड इजी ड्राइंग्स की और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यस, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।